नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। भारतवासियों, जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर गोली चलाने वाले आतंकवादी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई। शहीद के परिवार ने इस फैसले के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब न्याय मिल सका है। और सोचिए, फर्ज के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी का परिवार अब जाकर खुश हो सका है। अब जाकर उसे न्याय मिला है और वो आतंकी आरिस खान अभी तक फांसी के फंदे से दूर घूम रहा है। आज कोर्ट के फैसले के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सच आ सका कि बाटला हाउस एनकाउंटर बिल्कुल सच था, बिल्कुल सत्य था। लेकिन आज सवाल उन लोगों पर कि जिनकी वजह से इस एनकाउंटर के बाद भी हमारे जांबाज पुलिस वालों को जांचों का सामना करना पड़ा। आज सवाल उन नेताओं से कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। आज सवाल उन नेताओं से कि जिन्होंने चंद वोटों के लिए मेरे देश के वीरों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सवाल उन नेताओं से कि जिन्होंने रात भर आंसू बहाए, आज वो किस बिल में छिप गए। आज सवाल उन नेताओं से कि जिन्होंने कहा था कि एनकाउंटर सच्चा हुआ तो हम राजनीति छोड़ दें, तो वक्त आ गया। ममता दीदी, राजनीति छोड़ दीजिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ममता दीदी, अपना वादा याद करिए, अपना वो भाषण याद करिए। मैं सब पर आऊंगा, सभी नेताओं के वो वोट बैंक के लालच में दिए गए बयान सब सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप बाटला हाउस मामले को समझ लीजिए और उसके लिए इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बाटला हाउस एनकाउंटर में क्या हुआ था? सितंबर 2008 को दिल्ली में पांच जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को इस ब्लास्ट के जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान मिले सुराग के आधार पर 19 सितंबर 2008 को तड़के दिल्ली पुलिस की टीम बाटला हाउस इलाके में पहुंची। वहां L18 नंबर की इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया। तीसरी मंजिल पर पुलिस जैसे ही पहुंची, इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों ने मुठभेड़ शुरू कर दी। इसमें आजमगढ़ के रहने वाले दो संदिग्ध मारे गए, दो गिरफ्तार हुए और एक फरार हो गया। इस एनकाउंटर में टीम का नेतृत्व कर रहे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को 3 गोलियां लगी। उसी दिन होली फैमिली अस्पताल में उनका निधन हो गया। इधर गिरफ्तार संदिग्धों से पता चला कि फरार संदिग्ध का नाम आरिस खान है और उसी ने इंस्पेक्टर शर्मा पर गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। आरिस एक महीने तक कई जगहों पर छिपता रहा। इसके बाद वह नेपाल भाग गया, वहां अपनी पहचान छिपाकर रहने लगा। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर ली। वहां एक युवक के सहयोग से किराए पर घर भी मिल गया। इसके कुछ महीने बाद उसने वोटर आईडी और पासपोर्ट भी बनवा लिया। नेपाल की एक युवती से शादी भी कर ली। उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक विवाद में फंसने के कारण वह उसे घर नहीं ले जा सकता, इसलिए कुछ महीनों के बाद वो उसे अपने साथ ले चलेगा। इधर इस केस की जांच कर रही एजेंसियों को आरिफ के बारे में खुफिया सूचना मिल गई। साल 2018 में एक टीम ने उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस चला। इस मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पूरी कहानी सुनकर एक तीसरी क्लास का बच्चा भी ये समझ सकता है कि देश में आकर छिपे हुए इन गद्दारों को निपटाने के लिए हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों ने किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, ममता बनर्जी दीदी जैसे लोग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग दिन रात रोते रहे। इनका वोट बैंक इनके लिए इतना प्यारा था कि इन्होंने एक बार भी देश के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी शहीद मोहन चंद्र शर्मा के बारे में नहीं सोचा। याद रखिए दोस्तों, धर्म देखकर ही इनके आंसू निकलते हैं, धर्म देखकर ही इनके भाषण निकलते हैं। उस वक्त जब बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि एनकाउंटर सच्चा है, तब ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए आंदोलन को सही ठहरा रही है। लेकिन आज सच सबके सामने है। आप खुद सुन लीजिए क्या क्या नहीं बोला गया उस वक्त, किस किस तरह से बहादुर पुलिस वालों पर कीचड़ उछाला गया, आप खुद सुनिए।
बाटला हाउस इनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 15 मार्च को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को मौत की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी माना है। दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस इनकाउंटर केस में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के लिए आरिस को 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। नेताओं के वो बयान फिर सुर्खियों में आ गए जो उस वक्त इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे। यहां तक कि दिल्ली पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को भी सवालों के घेरे में ला दिया गया था। वेस्ट बंगाल में मचे सियासी घमासान के बीच आए बाटला हाउस इनकाउंटर केस के फैसले ने बीजेपी को भी बोलने का सुनहरा मौका दे दिया है। बिना देर के बीजेपी ने कांग्रेस सहित विपक्ष की उन सभी पार्टियों के बयान याद दिला दिए जिन्होंने बकायदा घटनास्थल पर जाकर इसको फेक बताया था। इस एनकाउंटर के खिलाफ जाँच की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, एक तरह से आतंकवादियों के साथ पक्षपात किया। इन सभी नेताओं को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। 19 सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली के बाटला हाउस में हुए इस एनकाउंटर के बाद पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ गया था। एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक दल दो धड़ों में बट गए थे। एक तरफ बीजेपी थी जो एकजुट होकर एनकाउंटर का समर्थन कर रही थी, तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस जो अन्य विपक्षी दलों के साथ इसे फेक बता रही थी। कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, टीएमसी कांग्रेस की ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेता अमर सिंह एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी न्यायिक जाँच की मांग कर रहे थे। सबसे पहले सलमान खुर्शीद 10 फरवरी 2012 को आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था, जब उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें सोनिया गांधी को दिखाई तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पीएम से बात करने की सलाह दी थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। दूसरे दिग्विजय सिंह 10 फरवरी 2010 को कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था, एनकाउंटर में मारे गए बच्चों को गुनहगार या निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, मेरी मांग है कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो। एक बच्चे के सिर पर 5 गोलियां लगी थी, यदि यह एनकाउंटर था तो सिर पर 5 गोलियां कैसे मारी गई। दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठाए थे। I always said it was a false encounter and I still hold by that. My objection to that was simple. In an encounter, no one can get 5 shots on the top of the head. That was my objection and what we demanded was a judicial inquiry. तीसरा नंबर है ममता बनर्जी का। 17 अक्टूबर 2008 को जामिया नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा था, यह एक फर्जी एनकाउंटर था, यदि मैं गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी, मैं इस एनकाउंटर पर न्यायिक जांच की मांग करती हूं। चौथा नंबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उस दौरान घटना के बाद एनकाउंटर पर शक जताया था। कहा था कि वो आतंकवादी थे तो भी उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए था, अगर वो आतंकवादी थे तो भी उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए था और अगर वो युवक आतंकवादी नहीं थे तो पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाटला हाउस मामले में भी कुछ साथियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 युवाओं की और एक पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके, और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिली। तो उस वक्त इन चंद नेताओं ने यह माहौल बनाया था कि जिसका असर आज भी दिखता है। महज कुछ वोटों के लिए इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। महज कुछ वोटों के लिए ये लोग आतंकवादी के समर्थन में उतर आए।
महज कुछ वोटों के लिए इन्हें आतंकवाद नहीं दिखा, दिखा तो बस उस आतंकवादी का धर्म। और फिर क्या, इन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जो सुनने में इस देश में कुछ नेताओं की मानसिक दुर्दशा को दिखाते हैं। खाकी की खुददारी पर खादी ने उठाए सवाल। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। इन एनकाउंटर पर कई सियासी सवाल खड़े किए गए। पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया। आरोप लगा कि जानबूझकर एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है। दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का ठीकरा उन पर फोड़ दिया गया। सवाल किया गया कि शहीद इंस्पेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। एक आतंकी के सिर में 5 गोली लगी दिखी तो पूछा गया कि एनकाउंटर में इतने करीब एक की जगह 5 गोली कैसे मारी गई। इस तरह खादी ने खाकी को शक के घेरे में लाने की कोशिश की थी। NHRC ने दी क्लीन चिट। इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की लगातार मांग होती रही। साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को 2 महीने में इसकी जांच करने को कहा था। अपनी जांच के बाद NHRC ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद एक बार फिर हाई कोर्ट में इसकी न्यायिक जांच की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग को खारिज कर दिया। NHRC से मिले क्लीन चिट के बाद पुलिस संदेह के घेरे से बाहर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो राजनीति करने वाले आज खामोश, क्योंकि कोर्ट के फैसले ने इनके मुंह सिल दिए। लेकिन ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जवाब तो देना होगा, क्योंकि बात शहीद के सम्मान की है, क्योंकि बात शहीद के परिवार की भावनाओं की है। तो जवाब तो देना होगा कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाले और उसको फर्जी बताने वाले नेता देश से माफी कब मांगे? आखिर कब माफी मांगोगे? देश से माफी तो मांगनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को शुभरात्रि। ऐसा ही मत सो जाइएगा, सोचिएगा जरूर कि ऐसे देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।